हेलो गाइस एवरीवन, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप ये दीवार जो देख रहे हैं इस पर आज प्लास्टर होने वाला है। इसमें टोटल बताऊंगा कितना खर्चा आने वाला है। इसमें ये देख रहे हैं आप, हमारे भी बिल्डर भी आ चुकी है पीछे और इसमें अब हमारा काम चालू होने वाला है। क्यों, ये जो दीवार देख रहे हैं 4 इंच पे प्लास्टर कितना लगता है और कितना वो आएगा, इसमें आपको सारी चीज़ पता चलने वाला है। इसमें कितना मटेरियल लगने वाला है इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसमें टोटल सीमेंट और चम्मच और कितना टाइम, कितना मिस्त्री इसमें लगेगा, सारी चीज़ बताने वाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो लास्ट से शुरू तक एट तक देखते रहें और वीडियो बने रहें हमारी में। हेलो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ आपको बताऊँगा और आपको सारी चीज़ इसमें मिलने वाली हैं, फुल जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। प्लास्टर और सारी चीज़ बताने वाला हूँ। जी आप देख रहे हैं, पहले इसकी लंबा चौड़ाई बताता हूँ। इसकी आप लंबा चौड़ाई की बात करें तो आपकी जी आपकी लंबा चौड़ाई की बात करें तो इसकी हाइट है इसकी 9 फुट। इसकी जो 9 फुट इसकी हाइट है दीवार की, ये जो वॉल है हमारी 4 इंची में वॉल चिनी हुई है, ये 4 इंची की वॉल है। अब 4 इंची में 9 इंची में क्या अंतर आता है उसको वो भी आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई हमारी नापी जा रही है साथ ही साथ में, ये लंबाई हमारी 20 फुट इसकी लंबाई है, 20 फुट लंबाई। और इसकी हाइट की बात करें 9 फुट है इसकी, 9x20 की ये दीवार है। और इसमें आज को बताऊंगा कितना इसमें मटेरियल लगेगा और कितना इसका खर्चा आएगा, इसमें सारी चीज़ बताने वाला हूं आपको। वीडियो लास्ट तक शुरू तक लास्ट तक देखते रहे, बने रहें और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो आप 4 इंची की दीवार प्लास्टर करने का शुरू कर रहे हैं वॉल के ऊपर, तो आपको फिक्स तरीके से आपको उसकी निमी उसके अंदर पहले लानी होगी। जो निमी का मतलब समझते हैं उसको तर आप ढंग से उसकी करनी होगी, और आप तर ढंग से करोगे जिससे प्लास्टर बहुत अच्छा और उसके अंदर निमी और उसके अंदर रेशवा उसका अच्छा आएगा। तो पहला नंबर बताता हूँ, जब प्लास्टर करते समय आपको रेशवा किस तरीके का उसको चलाना है, अगर रेशवा किस तरीके चलाना है उसी के बारे में आपको बताना है। पहला नंबर आपको रेशवा के बारे में बताऊँगा कि आप जब रेशवा का चलाओगे तो कितना उसमें रेशवा रखना है। देखो आप उसमें रेशवा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6x का रेशवा रख सकते हैं। 6x का मतलब आप 6 का मतलब होता है आप 6 तसले उसके डालेंगे चम्मल के, तो 1 सला आप उसका सीमेंट का डालेंगे, मतलब एक बोरी के अंदर जो एक बैग होता है हमारा उसके अंदर आप 18 तसले उसमें हम चम्मल और एक बैग सीमेंट उसमें हम चला सकते हैं, तो वो आपका 6x का रेशो बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें आपको दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊँ, उससे कम आप चला सकते हैं, 5 का चला सकते हैं और 6 का चला सकते हैं, मतलब 15 तसले चम्मल के और एक बैग आप सीमेंट का उसमें चला सकते हैं। इस तरीके से आप चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, 6 से ज़्यादा उससे नीचे आप चला सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ये जो मैंने आपको ये वीडियो इसकी जो लंबाई चौड़ाई के बारे में बताई कि आपको जो दीवार की जो हमारी लंबाई चौड़ाई है हमारी करीब 9x20 फुट की इसकी दीवार की लंबाई है, तो उसके आर के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जो 20x9 की हमारा कितना मटेरियल लगने वाला है, तो 20x9 की मटेरियल लगने वाला है इसके अंदर आपके 27 तसले उसके अंदर चम्मल के, इसके अंदर जो चम्मल हमारी सैंड है उसके 27 तले उसके डले हुए, और इसमें हमारा 1.5 बोरी इसमें बैग, 1.5 बोरी बैग इसमें सीमेंट डला हुआ है, मतलब 1.5 बोरी सीमेंट उसके अंदर और 27 तसले चम्मल इसके अंदर 9x20 की दीवार हम इसमें लगा चुके हैं। क्यों, इससे ज़्यादा नहीं होगा और ना इससे कम होगा, इसमें एक्यूरेट आपका निकल के आएगा। अगर प्लास्टर अपने आपके पास डिमांड रखता है कि अपना प्लास्टर कितने इंची का, आधा इंची, पौन इंची, आधा इंची से भी कम आपका कितना मटेरियल आपको उसको मार्जिन लेके चलना है, तो हमारे हिसाब से हम उसमें हमने जोड़ा है सिर्फ आधा इंची के हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से आप उसमें फंटी से काटते हैं कि हमारा आधा से ज़्यादा नहीं रहे, बिल्कुल भी आधा इंची उस पर दीवार के ऊपर प्लास्टर रह जाए। तो आप, मैंने ये बताया आपको कि 1.5 बोरी सीमेंट और 27 तसले अब इसमें चम्बल डली हुई है, तो इसमें क्या है, इसका मतलब हो गया 27 और 1.5 बोरी सीमेंट इसमें लगा हुआ है इस वीडियो इसके अंदर, जो दीवार हमारी वॉल है इसके अंदर, इसमें जो साइज आपको बताया था 9x20 का इसका साइज है। अगर लेबर चार्ज की बात करें तो इसमें जो लेबर चार्ज बताता हूँ आपको, लेबर चार्ज इसमें बैठ रहा हमारा करीब 2 लेबर और 1 मिस्त्री इसको आराम से सुबह से और शाम तक इसको कंप्लीट करके दे देगी, इसमें कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी। पर जो हमारा ये काम चल रहा है, जो हमारा
ठेके में काम है, तो इसकी वजह से हम कितने भी अपने लेबर, हमने दूसरा भी काम करना पड़ता है और हमने अपनी साइड भी संभालनी पड़ती है, हमारी साइड चलती रहती है उसको भी देखना पड़ता है। तो इसमें वीडियो मैंने बताया का, इसमें जो हमारा रेशो बताया था सारी चीज़ बताई थी। और वीडियो चलो, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अगली वीडियो के लिए लेके आते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।